गर्मियों में ऑयल की चीज बिल्कुल भी खाना नहीं चाहते हैं, और आजकल जो लोग डाइट पर हैं तो वो बिल्कुल ही ऑयल की चीज नहीं खाना चाहते हैं। तो मैं आज आपको ऑयल फ्री दही बड़े की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, जिसमें हम बहुत ही ना के बराबर ऑयल का यूज करेंगे और दही बड़े इतने स्वादिष्ट बनेंगे। तो आइए देखते हैं ऑयल फ्री दही बड़ों को बनाने के लिए हमें क्या क्या फ्रेंड्स। ऑयल फ्री दही बड़ों को बनाने के लिए पहले हमें दही को प्रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन हम जो दही घर में जमाते हैं उसमें काफी पानी होता है, और दही बड़ों के लिए हमें थोड़ा थिक दही की जरूरत पड़ती है। तो मैंने क्या किया था, इस तरह के स्ट्रेनर लिया है और उसमें मैंने दही को डाल दिया, नीचे इसमें पानी आ गया। पानी आप किसी भी यूज में ले सकते हैं, दही की कोई सब्जी बनाना चाहें तो उसमें यूज ले सकते हैं। और इस तरह का फ्रेंड्स देखिए गाढ़ा दही हमारा इसमें छलनी में आ गया है। अब इसको हम चम्मच से इस तरह से छान लेंगे। इस तरह से गाढ़ा दही दही बड़े के लिए तैयार होता है। सॉस की इंस्टेंट पकौड़ी मैंने डाली हुई है, जो आप अगर कोई आपके गेस्ट आए तो 10 मिनट में बना सकते हैं, जिसमें आप मैंने दाल का भी यूज नहीं किया है, तो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी या आई बटन पर दे दूंगी, तो आप उसे चेक करके, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही लाजवाब दही की पकौड़ी तैयार होती है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स दही हमारा छन चुका है। फ्रेंड्स इस तरह से हमारा दही बड़े का दही तैयार हो गया। फ्रेंड्स ये मैंने हरे धनिए की चटनी तैयार की है। हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और नींबू और एक आइस क्यूब डाल दीजिए, उससे चटनी हमारी बहुत ही ग्रीन बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से मैंने इसमें ये चटनी हरी तैयार कर ली है। तो फिर आज के दही बड़े हम सूजी से बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल सूजी ली है और आधा बाउल दही लिया है। इन दोनों को मिक्स करके और हल्का सा थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डालकर आप इसे एक घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दें। और मैंने इसका पैटर का पैटर हमारा रेस्ट कर चुका है और मैंने इसको पहले ही भिगो कर रख दिया था। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, थोड़ा पानी डालते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी को सही करेंगे। फ्रेंड्स इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसके दही बड़े बनाने के लिए चाहिए। तो आइए देखते हैं आगे दही बड़ों को बनाने के लिए मैंने ये अप्पे स्टैंड लिया है और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसको ऑयल से इसके अप्पे स्टैंड को ग्रीस कर देंगे। अब फ्रेंड्स इस पैटर में डालेंगे हम 1/4 चम्मच के करीब खाना वाला सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, उसको ऐड करके इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। अब फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा पैटर अप्पे स्टैंड में हम डालते जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपके पास अप्पे स्टैंड नहीं है तो आप इडली स्टैंड में इसको स्टीम भी कर सकते हैं, इसी पैटर को लेकर आप स्टीम इसमें कर सकते हैं आराम से, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। वो उसकी रेसिपी भी मैंने डाल रखी है तो मैं उसका लिंक दे दूंगी। एक दो मिनट के लिए पकने देते हैं और इस पर एक प्लेट ढक देते हैं और एक दो मिनट बाद इसको चेक करके दोबारा से इसको पलटेंगे। एक साइड से पक चुके हैं और इसको टर्न कर देते हैं और दूसरी साइड भी इसको हम सेक लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें कितना सुंदर कलर आया है। एक तरफ से सिक चुके हैं और दूसरी तरफ से भी हम इसको एक दो मिनट के लिए कर लेते हैं और फिर इसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारे दही बड़े तैयार हो चुके हैं। दोनों बाउल लेंगे और इसमें आधा बाउल पानी ले लेंगे। फ्रेंड्स थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हींग, हींग का टेस्ट आता है इसमें। और ये अपने दही बड़े के लिए हमने जो बॉल्स बनाई हैं, इस बॉल्स को हम डाल देते हैं पानी में, और पानी में डालकर इसमें हमें बहुत ज्यादा देर भिगोनी नहीं है, बस डालेंगे, बस एक दो मिनट बाद ही तुरंत हम इसे प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। बस एक दो मिनट बाद भीगने के बाद ही आप देखिए इसमें कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। ये मैं आपको निचोड़ कर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं और ये हमारे ऑयल फ्री दही बड़े बनने वाले हैं। जब सर्विंग के बाद जब आप अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये आपने सूजी से बनाए हैं। और फ्रेंड्स इस तरह से अब इसे पानी में हमें बहुत ज्यादा देर भिगोना, तरह से फ्रेंड्स निचोड़ निचोड़ कर एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे इसको। पानी में हमें बहुत ज्यादा देर नहीं रखना है। ये फ्रेंड्स हमने जो दही लिया था उसमें नमक नहीं डाला था, थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं इसमें। आप चाहें तो इसमें पीसी शक्कर भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक एक दही वड़े को इसमें दही से कोट करते जाएंगे और अपनी प्लेट में हम सर्व करेंगे। और फ्रेंड्स इसको प्लेट में हम लगा लेते हैं इसी तरह। फ्रेंड्स हम अपने और दही वड़ों को अपनी प्लेट में लगा लेते हैं। फ्रेंड्स डालेंगे इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी।
फ्रेंड्स अपने टेस्ट के हिसाब से आप अपने इसमें डाल सकते हैं। और डालेंगे अब हरे धनिए की खट्टी चटनी, तीखी चटपटी। 6 महीने तक स्टोर करने वाली चटनी भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, जिसे बनाकर आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। उस चटनी का भी लिंक दे दूंगी, तो वो आप उसे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनती है, एक बार बना लो आप 6 महीने की छुट्टी। थोड़ी सी फ्रेंड्स थोड़ी सी इसमें सॉल्ट और डालते हैं। और अब डालेंगे फ्रेंड्स इसमें कुछ मसाले। मसाले डालेंगे आप अपने हाथ से। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे ऊपर से, क्योंकि चाट जब तक थोड़ा सा नमकीन चटपटी ना हो, खट्टी ना हो, तब तक इसका मज़ा नहीं आता। फ्रेंड्स थोड़ी सी डालेंगे इसमें लाल मिर्ची, थोड़ा डालेंगे फ्रेंड्स काला नमक। काले नमक का टेस्ट चाट में बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा, और वापस इसमें थोड़ा सा दही और ऐड करेंगे ऊपर से। फ्रेंड्स थोड़ा सा दही इसमें और ऐड करेंगे ऊपर से। और फ्रेंड्स एक धनिए की पत्ती से कर देते हैं गार्निशिंग। और ये लिए हमारा सुपर सॉफ्ट दही वड़ा बिल्कुल तैयार है। काट कर दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट नरम बनकर तैयार हुए हैं दही वड़े। ये सॉफ्ट अंदर से जालीदार दही वड़े हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बिना ऑयल के तैयार हुए हैं, बिना दाल के तैयार हुए हैं, बिना किसी झंझट के तैयार हुए हैं। आप इसे बिना किसी गिल्ट के एंजॉय कर सकते हैं। दही वड़े की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये ऑयल फ्री दही बड़े कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।